हाँ ना, ये है जी भेड़िया। नहीं भेड़िया नहीं, गिद्दड़। गिद्दड़ जैकॉल। जैकॉल बज गया। छोड़ बड़ी भाजे से, छोड़ आप चलो। ये है जी गिद्दड़, ये भागता जा रहा है। रोड साफ आ गया। अरे वाह कितना बेहतरीन। ये देख गिद्दड़ आगे आगे और हम पीछे पीछे। ये देखे ओ ये है नाजरीन सलेम टोबा, इसका नाम है सलेम और ये भी चौलिस्तान में है। और ये देखें, और इसमें भी पानी मौजूद है बारिश का। तो मैंने कहा ये इसके ओवरव्यू हैं। ये ढलता सूरज, और ये देखें अभी यहाँ पे जानवर जो हैं थोड़ी देर तक आएंगे, यानी पानी पी भी गए होंगे, लेकिन जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ पे अभी जानवर नजर नहीं आ रहे। तो ये है सलेम टोबा। ये और इर्द गिर्द जो है, यानी 5 किलोमीटर का फासला, 5-10 किलोमीटर के फासले पे तकरीबन एक टोबा जो है जो जाके मिलता है। ये देख दरख्त देख लें कितने पुराने हैं। सलेम टोबा ये है नाजरीन डैम, और इसको ये पानी काफी फिल्ट्रेशन प्लांट है तकरीबन। और ये ऊपर ये देखें नमाज पढ़ने के लिए भी ये बना हुआ है, और नीचे इसमें जो है एक खूह सी ना बहुत मोटा है। और ये है जी चौलिस्तान के बीचों बीच, और ये डैम है पानी पीने के लिए। ये मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूं। ये सलेम टोबा के साथ ही है, ये जो मैंने अभी आपको सलेम टोबा दिखाया है ये सामने। और ये है जी बहुत थोड़ी आबादी, ये चंद मकान आज जो हैं वो कच्चे नज़र आ रहे हैं, और इस वक्त जो है वो सूरज ढलने के करीब है। मैंने आज तकरीबन कोई 5 के करीब टोबे भी किए हैं, तो वो इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियोस में मैं दिखाता रहूँगा। तो चैनल है विलेज इनसाइडर 60, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट्स भी देते हैं और लाइक भी करें, शेयर भी करें दोस्तों को। ये है जी सलेम टोबा के साथ ही एक डैम बना हुआ है।